नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। इस वक्त मौजूद हूँ मैं फरीदपुर गांव के अंदर। मेरे साथ लाइव तस्वीरें आप देखने लग रहे हो। फरीदपुर स्कूल के बच्चे जो आप बाहर बैठे देख सकते हो मेरे साथ इस वक्त। और एक बार मैं फ्लैक्स दिखाना चाहूँगा कैमरामैन साथी, इसके ऊपर थोड़ा फोकस करें भाई। इनकी क्या मांगे हैं क्या नहीं है, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जो है फरीदपुर गांव के अंदर चला हुआ है। शनिवार को धरने के ऊपर स्कूल के बच्चे और उनके साथ में परिजन धरने के ऊपर बैठे थे। आज भी वो उसी प्रकार बैठे जिस प्रकार से पहले दिन वो बैठे थे। क्या कुछ मामला है, पूरा मामला आप तक बताने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक अभी तक हमारे पास सूचना है, स्कूल के अंदर जो है अध्यापकों की संख्या बिल्कुल कम है। जिस तरह हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा था, वह बात सुनी होगी सबने, बड़ी वायरल हुई थी कि भाई टीचर कम हो गए, अध्यापक गणे हो गए, तो आड़ा वही समस्या हो रही है, वही समस्या आड़ा चल रही है। बच्चे तो हो गए ज़्यादा, बात वह मुख्यमंत्री ने दूसरे बल की थी, लेकिन आड़ा दूसरे बल बन रही है। बच्चे ज़्यादा है, अध्यापक कम है। सूचना के अनुसार सिर्फ एक अध्यापक 102 बालकों के ऊपर, सोचने की बात है। घर के एक दिन में तंग होले हैं जब छुट्टी हो बालकों की, दो बालक हो घर के नहीं कहा कद सी स्कूल लागा, कद सी स्कूल लागेगा। तो 102 बालकों ने डांटन खातर कितने अध्यापक चाहिए, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं भाई, कमेंट कर दो एक बार। फ्लैक्स लग रहे हैं, छोटे बच्चे सारे बच्चे छठी से लेकर दसवीं तक के बच्चे बैठे हैं। एक बार मैं स्कूल का गेट दिखाऊंगा भाई तुमने, उसके बाद आगे की बात करेंगे। स्कूल का गेट का अगर ताला मार दिया, एक छोटा गेट पानी पुणी लेने खातर खोल रखा, ताला 48 मिनट लटका देख सको भाई। ये तस्वीरें आप देखने लग रहे हो, स्कूल के गेट के ऊपर ताला लगा दिया, फ्लैक्स लगा दिया है और खुली चेतावनी दे दी है। या तो हमारी मांगों को सुना जाए, हमारी बात को सुना जाए, नहीं तो इलेक्शन भी नहीं होने दिया जाएगा। बहुत बड़ी बात है। बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। खड़ी हो जाए गुड़िया, क्या नाम है? मलिस्का। कौन सी क्लास? 9th। कितने साल से इस स्कूल में पढ़ रही? मैं 3rd क्लास में आई थी। 3rd क्लास से पहले कितने अध्यापक थे यहाँ? पहले 7 अध्यापक थे। टोटल स्ट्रेंथ कितनी है बच्चों की? 102। 102। कितने दिन हो गए ट्रांसफर हुए ना बच्चे की? 31 तारीख ने हो गए थे। हाँ, एक बच्चों के नहीं अध्यापक के हुए थे सर, 1 तारीख। मुख्यमंत्री वाली बन रही भाई मेरे को भी उस वाली बात याद आ जाए, बिछड़ रहा हूँ मैं भी उसकी आधी आने वह बात याद आ जाए। सॉरी ने सही पकड़ी ही बात। तो इब के मांग है तारी? मारी आई मांग, हमारा स्कूल में टीचर होने चाहिए। अच्छा, 10वीं क्लास में? तू ना 9th में। 9th में। 10वीं क्लास का बच्चा कौन है भाई? 10वीं के खड़े हो जाए एक बार, 10वीं का कौन है? आ जा भाई 10वीं की, खड़ी हो जाए गुड़िया, खड़ी हो जाए, उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा, शर्माओ ना। के नाम है? आशु। 10वीं क्लास से? यस। कितना सिलेबस हो आई बिलग? सिलेबस कौन से सब्जेक्ट का सर? कौन सा बता दे, सितंबर तक का कंप्लीट। ओवरऑल तक नहीं बता दे भाई, 100% मतलब 40 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 60% हो गया, 40% रह गया। यस। तो ई बार अध्यापक से को नहीं करो काम? बस ये तो खुद की खुद से पढ़ते सर। अच्छा, के लागे समाधान होगा तरह की में? पता नहीं सर इस बात का। फिर भी मैं लोग को आश्वासन देने खातर बीओ भी आ लिया हुआ है, तहसीलदार भी आया हुआ, और भी आ लिए होंगे। वो तो ये कह रहे थे कि 2 दिन में आपके स्कूल में टीचर आ जाएंगे। अच्छा, यस। कितने टीचरों की डिमांड है आपकी? 7। 7 टीचर है, 102 वाला कंट्रोल कर लेंगे, पहले 7 टीचर थे यहाँ? यस सर। दोस्तों सबसे बड़ी बात के है कि बच्चे तो 102 हैं लेकिन पढ़ाने वाला को नहीं, जो एक बड़ा मुद्दा है। छोटा मुद्दा हम इसको नहीं कह सकते क्योंकि 102 बालकों के ऊपर पढ़ाने वाला स्टाफ नहीं है, ये बड़ी बात है एक। और धरना जो है आज एक हफ्ते का करीब हो चुका है, सुध लेने के लिए बीओ साहब जरूर आए हैं लेकिन ईब तक कोई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई है। भी कद तक स्टाफ आओगा, कद तक ना आओगा। नई जो शिक्षा नीति लागू हुई है सब ने बेरा भाई, बच्चों की स्ट्रेंथ जहाँ कम हो स्कूल बंद किए जाने लग रहे हैं। इस स्कूल का कोड मैंने बताया था इन्हें 1380, क्यों बताया था? यू कोडे है सारा शुद्ध का रोड़ा। इस कोड के ऊपर जो हमने जानकारी मिली उसके अनुसार यू कोड ऑनलाइन ओपने को नहीं होता, यानी अध्यापक आओगे कटते जब तक ऑनलाइन पर यू स्कूल का कोड नहीं खुलेगा। तो गाँव के कुछ मौजूद व्यक्ति मेरे साथ मौजूद है, उनके साथ भी बात करेंगे आखिरकार पूरा मामला के है, कद तक समाधान हो उसका है, होगा कि नहीं होगा। जी आज कितने दिन हो गए टोटल धरना ना? आज 5वां दिन है जी धरना, छठा दिन है, संडे को भी धरना रहा था, संडे समय छठा दिन हो गया जी। आज क्या कुछ मांगे आप? मांगी ये कि हमारे स्कूल में पहले टीचर थे वो सभी टीचर्स यहाँ से ट्रांसफर कर दिए, एक ही टीचर बचा है। मांगी है कि दोबारा टीचर दिए जाए, ये सारी पोस्टें कैप्ट कर दी गई थी। ये मांग ये है कि उसको जो कैप्ट कर दें, उन पोस्टों को ओपन कर दें ताकि वो टीचर आ सके इनमें।
जो नई शिक्षा नीति है क्या उसके तहत ही ये टीचर हटाए गए हैं? हाँ बिल्कुल, नई शिक्षा नीति के तहत हटाए गए हैं। यहाँ की पोस्टें कैप्ट कर दी गई। यहाँ कोई इस स्कूल का कोड खोलना चाहे, ये कोड ही ओपन नहीं होता। यहाँ आ नहीं सकता कोई भी टीचर। इस कारण यहाँ से टीचर जा तो सकते थे, आ नहीं सकते। जो टीचर थे वो चले गए, दूसरे आ नहीं पाए। यानी आगामी प्लान ये हो सकता है कि स्कूल बंद किया जाए? हाँ बिल्कुल, 100% यही है। आसपास लगते जो गांव हैं उनमें टीचर्स की संख्या बढ़ गई है। जैसे दौलतपुर की बात करें, वहाँ मेरी जानकारी के अनुसार 5 टीचर्स एक्स्ट्रा हुए हैं, और पापड़ा में भी 6 टीचर जो पोस्टें हैं उनसे संख्या बढ़ गई है, और चमारखेड़ा में भी ऐसा ही। कुछ में संख्या ज़्यादा कर दी और कुछ में कम कर दी। प्लान ये है कि जो आसपास के 3 किलोमीटर के दायरे में स्कूल है उनको बंद करने का प्लान है सरकार का। ताऊ जी, स्कूल बंद करने की कगार पर आ गया गांव में, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे फिर? आप धरने पे बैठे हो, क्या लगता है कुछ समाधान होगा? बच्चे कहाँ के पढ़े? बच्चे तो यहाँ पढ़े, और पढ़े का थोड़ा ही। और गुआंड से जो दौलतपुर से 4 किलोमीटर है, दो साल के बच्चे कुकर जाएंगे उड़ा है। तो प्रशासन का नहीं था, कोई आया था, कल भी मिलना था, परसों भी आया था, के लग गया कि मैं समाधान होगा? समाधान तो यू तहसीलदार तो नहीं होता, डीसी साहब ने डायरेक्टर द्वारा फोन करा था। अच्छा। डायरेक्टर ने कहा भाई 2 दिन में तेरे आए जाएंगे मास्टर। अच्छा। माँ में 6 के 6 होने चाहिए मारे। मैं न्यू को नहीं, 2 टीचर भेज जेड है, फिर हमें बच्चा नहीं बिठावाएंगे। वहाँ मास्टर आने चाहिए, 6 के 6 आने चाहिए मारे, वही आने चाहिए। या फिर और भी कोई तबादला हो गया इसका? मतलब आज हमें तो मांग का तो वहाँ राजी था। अच्छा। पर दिन नहीं है जो वहाँ जो हो रहा है, चले फिर वो दूसरी बात से है। आज 65 साल हो गए, 66 जो स्कूल ही काम ने बिल्डिंग बना के दी थी। या अच्छा। 4 किले जमीन केस है। अच्छा। 2 किले ही आगे स्कूल केस है। हाँ। सड़क तीन 6 किले जमीन के दे रखे है। खेलर ना 5-6 मुदान से, आगे मुदान से, यू मुदान से। हाँ। कोई कमी नहीं। बिल्डिंग देखो, अरे एक जगह स्कूल दिशा नहीं पाओगा। हाँ। दिशा यू आईडेस है। बिल्डिंग काम ने तैयार करवाया? हाँ, काम ने तैयार करके फिर सरकार ने जी मास्टर सरकारी आवास है। अच्छा। फिर शुरू में काम ने करी दिया बिल्डिंग। तो जी क्या कहना चाहोगे बच्चों के साथ जो ये खिलवाड़ हो रहा है इसके बारे में? ये सरकार अनदेखी करी है बच्चों की। जी। बच्चों का भविष्य को मैं तो कहते हैं लड़कियों को पढ़ाओ। हाँ। बच्चों ने पढ़ाओ, और मास्टर ने ये पढ़ावा क्या? कितने बच्चे हैं टोटल इस स्कूल में? 102 बच्चे हैं। अच्छा, 6ठी से 10वीं तक। हाँ। मास्टर कितने थे पहले? 7। और ये भी एक गैस टीचर हो भी। गैस टीचर। सर वाले दिन धरना बैठने से पहले किसी के लिए बात भी करी होगी अपना भाई? एक अध्यापक कुकर शर्मा का इतने बड़का ना। अरे कोई मिल गया जो किसी के लिए दिन बात तो कौन में होगी। अच्छा। अभी यो आता एक दिन। हाँ। ओ वैसे नहीं बोले हिंदी भीतर बैठ दो, मगाई स्कूल का जिम्मेवार कौन भाई? स्कूल में बच्चे जो तोड़ फोड़ कर जाएंगे तड़के रहे। हाँ मैं भी तेरे जद बड़ा है जद मेरे मास्टर है जी, नहीं इतने बच्चे बैठ रहे। ताला लगा दिया आपने? जो स्टाफ एक दो है वो कैसे अंदर आओ फिर? ओ न्यू तो उरे को जगह है पतले पास रही बटन ना लिखड़ ना। अच्छा। मतलब आप अपने बच्चों को नहीं भेजोगे अंदर जब तक इस बच्चे नहीं जानते? हम तो भेज देंगे, फिर भेजा किस दूर है? मास्टर भी ना बच्चे ने कैसे भेजा? एक मास्टर 102 बालकन ऊपर पड़ा 102 बालकन दूर बच्चे मास्टर रह सके जी की। अच्छा, ये भी इसमें लिखा गया है अभी चुनाव नहीं करवाया जाएगा जो यहाँ पर काम का फैसला है। ये तो काम का फैसला है, न्यू सब हमें तो तड़के पेरे वोट भी क्यों गिरेंगे? जब तुम्हारी मांगे नहीं पूरी कर दे जे सरकार, फिर हमारी कट रहेगी। मतलब आने वाले चुनाव जो है उनका आप बहिष्कार करेंगे? तो सरकार ने कहा है स्कूल में अध्यापक तो जेंगने और बच्चे रह जाए थोड़े, तो पीछे गणे देने पड़े, आमदनी कम से, तो स्कूल बंद करना चल रही सरकार? सरकार तो बंद करना ना चल रही, सही बिल्डिंग हमें कट लीजिए, बच्चे नहीं उगने दे रहे, औसत की देख लियो जितनी कमी होगी हमें वह पूरी करा, बच्चे आगे पूरी कर देंगे, ईब कर दे भी कर देंगे। मतलब जो सत के साथ बच्चे होने चाहिए वह पूरे करोगे आप? कर सकते। ये तो फिर बात है, अपने बीओ के सेमी इधर ही होगी, उसने के आश्वासन दिया फिर यह बात सुन के? वो तो न्यू का जो बोलिया ईब तो कोई नहीं, ईब तो कोई नहीं जी, आगे तो कर देंगे हमें। हाँ। मास्टर मारे यार जी जी पूरी हमें कर देंगे। अरे जब तक आप लोगों ने धंडा लगाया है आप आश्वासन देने कौन कौन आ लिए?
एक बीओ आया एक तहसीलदार आया, एक दिन उसका वो चपड़ा सीधा बीओ का क्या कुछ कह गए माँ हुए तो वो ले गए कागज समर पे करवाए करे जो उसमें लिखा जो होती हमने तो मुश्किल से भाई यूं करेगी सरकार करे के करेगी अगर यू समाधान नहीं होता फिर आप धरना कितने दिन चलाओगे ये जो चल लेगा फिर तो बैठे रहे हैं मैं और कट जा पर कौन बैठे रहे थे किसान वो है किसान वैसे बात यहाँ करके अटक जाती है कि बच्चों की स्ट्रेंथ कम हो रही है और टीचरों की जो सैलरी है बच्चों की स्ट्रेंथ के हिसाब से ज़्यादा सरकार स्कूल बंद करने पर चल रही है। राहुल ने बताया कि भाई हमें यह कंडीशन है पूरी कर देंगे आगे बच्चे की कंडीशन पूरी किस तरह करोगे जो चिराग योजना है सरकारी स्कूल में पीछे लागेंगे और प्राइवेट में मिलेंगे तो बच्चे कैसे आएंगे। देखिए पत्रकार महोदय पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सरकार जो है जिस बच्चे ने यहाँ हिंदुस्तान में जन्म ले लिया सरकार की ये पॉलिसी होनी चाहिए उसके लिए शिक्षा भी हम अकेले को भी दे सकते हैं शिक्षा उसका अधिकार है और स्वास्थ्य हम किसी को भी देंगे उसके ऊपर सरकार ने संकोच नहीं करना चाहिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य हम कैसे देंगे इसके ऊपर खर्चा होगा। सरकार हमारे लिए है सरकार पब्लिक के लिए है सरकार बच्चों के लिए है सरकार एक एक बच्चे को शिक्षा देने की हिम्मत रखने वाली सरकार हमें चाहिए जो एक बच्चे को भी पढ़ा सके। ये तो कंडीशनल करते हैं कि इतने बच्चे हमारे पास 19 बच्चे हैं दसवीं क्लास में 19 है और नौवीं क्लास में 19 है बच्चों की संख्या बचती सिर्फ 12 बच्चे हम एडमिशन कराने की बात कर लिए हमने बीओ साहब से कि 12 बच्चे दूसरे स्कूलों से हम ले आएंगे इनके अभिभावक जो बच्चों के हैं उन्होंने बात करी इस कमेटी से आके जो धरनई कमेटी से बात करी कि हमारे 12 बच्चे अलग अलग जो पेरेंट्स आए उन्होंने बताया कि हम दे देंगे 12 के भी 15 भी चली गई हमारी संख्या लेकिन एडमिशन तो जब करवाएं तो यहाँ टीचर आएंगे। सरकार की कंडीशन ये कह रही है कि पहले एडमिशन करवाओ पहले एडमिशन किस भरोसे पर करवा दें हम पहले टीचर है ही नहीं एक टीचर है 102 बच्चों पे इन्हीं को कोई पढ़ा नहीं रहा दूसरा अभिभावक अपने बच्चों को कैसे ले आएगा कि किस भरोसे पे एडमिशन करवा दे तो सरकार यहाँ टीचर भेजे हम दावे के साथ कहते हैं क्योंकि स्कूल हमने चलाना है स्कूल गाँव ने बनाया है और स्कूल बड़ा खून पसीने से सींचा है इसको लोगों ने यहाँ जैसे बुजुर्गों ने बताया कि हम पत्थर लग रहे हैं समाज से भी लोगों के पत्थर लग रहे हैं गांव के लोगों के पत्थर लग रहे हैं जिन्होंने स्कूल को बनाया है खड़ा किया है ढांचा इन लोगों को बड़ा दर्द है कि स्कूल यहां से यहां बच्चों की संख्या ना होने का बहाना बना करके सरकार है और टीचर्स को यहां से तबादला कर रही है। इन लोगों का दर्द ये है कि इस स्कूलों को तोड़ा जा रहा है ये स्कूल बचाने के लिए बैठे हैं और हर हालात में स्कूल को बचाएंगे जो सरकार की कंडीशन है वो भी पूरी करेंगे लेकिन सरकार पहले टीचर भेजें।